जब प्रोग्राम शुरू होता है, जब आप स्क्रीन पे आ जाते हैं, फिर होस्ट इज दी होस्ट। अब जिस तरह ये मैं 40 मिनट में आ गया हूँ, तो मेरे पीछे चाहे डायरेक्टर हो, चेयरमैन हो, 15 प्रोफेसर हो, जितने मर्जी मेरे प्रोड्यूसर हो कि जी ये नोट्स आप पढ़ाएं, ऐनक आप इस तरह लाएं, शर्ट इस तरह पहन लें, बाल इस तरह बनाएं, इंग्लिश इतनी बोलें, घड़ी इस तरह लगाएं, फासला इतना रखें, कमरा इस तरह, 1000 बंदा मेरे लिए काम कर सकता है, मगर एट द एंड ऑफ द डे इट इज मी ओनली। अब मैं बैठ गया हूँ, मैं लाइव हूँ, अब मेरी जो गलती है, कुताही है, कोई बदतमीजी है, मैं यहाँ पे किसी स्टूडेंट को यहाँ पे शोर आया तो मेरे मुंह से एकदम पंजाबी के मैं 5-6 गालियां निकाल लूं, बड़ी नॉर्मल सी बात है, मैं भी इंसान हूं, मुझे गुस्सा आ गया कि यार आई बिन टीचिंग, ये कौन है बच्चा बार बार शोर हो रहा है, मैं 2-3 गालियां निकाल लूं। तुमने सिंपली वो रिकॉर्डिंग कर लो, पूरी दुनिया में मेरा डिफेंस नहीं है, कहेंगे यार ये कैसा टीचर है, इसने तो बच्चों को गालियां निकाली, तो पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पे शोर डाल जाएगा कि पाकिस्तान में ऐसे भी टीचर हैं वो गालियां निकालते। हालांकि ये हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कोई गलत बंदा बीच में आ गया, उसने मुझे गालियां निकाली हैं, तो वो तो तुमने नहीं चलाई, मैंने उसको 2-5 जोर जोर से गालियां देती हैं और तुम वो मेरी पीस निकाल लो। तो मेरी जो प्रेजेंटेशन है यही होस्ट है। होस्ट पे सबसे बड़ा जो प्रेशर है एक बंदे पे, वो आपका चैनल सारा है बेसिकली, जिसको आप जियो कहते हैं। जब मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ 40 मिनट का या 50 मिनट का या 1 घंटे का, आई एम जियो। मैं एक 25 साल का चैनल है जिसमें हजारों लोग काम करते हैं, इतना उसका नाम है, तो मैं जियो। तुमने घरों में बैठे लोगों ने ये नहीं कहना ये ताहिर मलिक का फॉल्ट है, उन्होंने कहा जियो टीवी, या लानत पे जिया टीवी देखो कि डब बेवकू बंदा बैठा गाल कर दी, जियो जियो ने किया लानत। तो पॉइंट ये है कि यू मस्ट रियलाइज फर्स्ट द पावर एंड वैल्यू एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ए होस्ट। आप ऑक्सीजन ऑफ द प्रोग्राम, अगर ऑक्सीजन खत्म हुई एवरीथिंग इज डाइज। और ये मैंने जिस तरह तुम्हें एक्सपीरियंस छोटा सा करके दिखाया 15 सेकंड का, 15 सेकंड में तुम इसलिए खामोश रहे हो कि तुम्हें पता था ये प्रैक्टिस हो रही है। अगर बातों बातों में मैं अगर चुप कर जाऊं ऐसे ही बोलते बोलते, तो तुम तो 26 या 25 या 20 लोग हो ना। जब जियो का कोई प्रोग्राम लगता है तो मेरे अपने अंदाजे में 1 करोड़ से ज्यादा लोग उसको देख रहे होते हैं, और हम में से किसी को ये अंदाजा नहीं है कि 1 करोड़ कितने इंसान होते हैं। मैं नहीं, मुझे तो कोई अंदाजा नहीं, मतलब मैं आंखें बंद भी करूँ ना तो सारा गुजरा वाला भी अगर एक बाजार में इकट्ठा हो जाए ना तो मेरा लिए 5 लाख से ज्यादा नहीं होगा। तो यू कैन इमेजिन 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ लोग एक प्रोग्राम को देख रहे हैं, एक बंदे को देख रहे हैं। तो उसपे जो प्रेशर है, जो परफॉर्मेंस का प्रेशर है, वो तुम्हें रियलाइज कराना है।